नायब में चीफ कौन होगा? आज अहमतरीन फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब। बहम तकर्रियों से मुतल्लिक़ आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर किया जाएगा। पाक फौज के 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजी गई थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के लिए उन 6 नामों में से 2 का फैसला किया जाएगा। जाली और झूठे बयानी के जरिए हिजान पैदा किया गया। अब उस बयानी से राहे फरार इख्तियार की जा रही है। सियासत में फौज की मुदाखलत गैर आइनी। गुज़श्ता वर्ष फरवरी में सियासी मामलात से दूर रहने का फैसला किया। अब हमारे फैसले का खैर मकदम करने की बजाय तनकीद का निशाना बनाया गया। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। नामनासिब यलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे। वसीतर मुल्क मफाद के लिए इदारे की जानिब से मनवी बयान से इज्तनाब किया गया। सबर की भी एक हद होती है। पार्टियाँ और अफराद आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान हम सबसे अफसल है। आर्मी चीफ का योम शहादा की तकरीब से खिताब। मुल्क संगीन मुआशी बहरान से दो चार। कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ें। हार और जीत को कबूल करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में इंपोर्टेड या सिलेक्टेड के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए। उम्मीद है सियासी जमातें अपने रवैयों पर नजरसानी करेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का योम शहदा की तकरीब से खिताब। सिपा सालार का 6 बरस तक अफवाज पाकिस्तान की क्यादत पर फख्र का इजहार। हमारे शुहदा हमारा फख्र। अर्ज़े पाक के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ रावलपिंडी में योम शुहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। सिपा सलार की यादगार शुहदा पर हाजिरी। फातिहा खाने की फूल भी चढ़ाए। शुहदा के बुरसा और गाजी भी तकरीब में शरीक। नायब में चीफ की तकर्री। इत्तेहादी जमातों ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म को सौंप दिया। रहनुमाओं की जानिब से मुकम्मल एतमाद का इजहार। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास का एलामिया जारी। आप वज़ीर आज़म हैं। आईन ने तकर्री का इख्तियार और इस्तेहकाक आपको सौंपा है। आसिफ जरदारी का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे साथ खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान, शोहदे शुजात हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की यकीन दहानी। अवामी नेशनल पार्टी की अहम हुकूमती मुशावरती इजलास में अदम शिरकत। हमें किसी ने दावत नहीं दी। बुलाया जाता तो ज़रूर शिरकत करते। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तखार भी वज़ीर आज़म हाउस में इजलास से लाइल्म हैं। PNP के मरकजी सेक्रेटरी इजलास जाहिद खान। किसी भी इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं। आर्मी चीफ की तायुनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा शख्स कैसे अहम तरीन तकर्री कर सकता है? सदर मुमलिकत मंजूरी से पहले मुझसे मुशावरत करेंगे। रिजीम चेंज से मुल्क को मुआशी तौर पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। आवाम का सियासी निज़ाम से भी एतबार उठ रहा है। आज हों या बाद में इलेक्शन शिफाफ होने चाहिए। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। इमरान खान हमला केस। दूसरे हमलावर के शवाहद नहीं मिले। GIT अरकान ने 3 मरतबा जायब कुआ का दौरा किया। 800 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के बयान लिए। DPO गुजरात, DSP वजीराबाद का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। कंटेनर पर खड़े गार्ड की फायरिंग के ठोस शवाहद सामने आए। तमाम गार्ड्स के असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार का कत्ल। पुलिस की जानिब से मुलजिम मुकरम का नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की दरख्वास्त दिन 11 बजे मिली। मुलजिम रात 4:11 पर इमिग्रेशन कर चुका था। दरख्वास्त में मुलजिम के पाकिस्तानी पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज थीं। मुलजिम ने सफ़र के लिए अपना स्वीडिश पासपोर्ट इस्तेमाल किया, जिसकी तफसीलात साउथ पुलिस ने बाद में शेयर की। तर्जुमान FIA। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शॉपिंग मॉल में फायरिंग। 7 अफराद हलाक, मुतअद्दी जख्मी।
फायरिंग शॉपिंग मॉल के 31 साल मैनेजर आंद्रे बंग ने की। मुजरिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट, जापान ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। ग्रुप ई में स्पेन को कोस्टारिका को 7-0 से शिकस्त। ग्रुप एफ में मराकेश और क्रोशिया का मैच बेनतीजा ख़त्म। मुकर्रर वक्त में कोई भी टीम गोल ना कर सकी। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से शिकस्त दी।